Hello viewers, welcome back again. Let's see the topic Russian Revolution. You know this is very important topic and इस टॉपिक में जो है बहुत कुछ ऐसा है जो जानने लायक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे. लेकिन इसको शुरू करने से पहले प्लीज आप इस चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दें. नाउ सी लेट स्टार्ट द टॉपिक व्हाट वाज रशियन रेवोल्यूशन. एक्चुअली यूरोपियन स्टेट में अगर कोई सबसे लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज था तो वो था रशिया. सोशलिस्ट जो है टुक ओवर द गवर्नमेंट इन रशिया थ्रू अक्टूबर. तो ये पहली बार हुआ था कि सोशलिस्ट आइडिया के बेसिस पे जो है अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद 1917 में रशिया में जो है आपका जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन गई और जो मोनार्की थी वहाँ की वो गिरी 1917 में फरवरी रेवोल्यूशन में. और अक्टूबर रेवोल्यूशन इन दोनों इवेंट को मिला करके रशियन रेवोल्यूशन कहा जाता. लेट्स रिवाइज इट. मोनार्की जो कि फरवरी 1917 में हटा, मतलब फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन दोनों को मिला करके हम लोग बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन. नाउ हाउ डिड दिस कम अबाउट, ये कैसे हुआ और क्या हुआ वहाँ पर सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन रशिया का जब रेवोल्यूशन हुआ. तो लेट सी ऑल दीज क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक. सी द रशियन एम्पायर इन 1914. पहले हम लोग आप उसका पूरा हिस्ट्री देखेंगे कि रशिया था क्या पहले. तो 1914 में जार निकोलस टू रूल कर रहा था रशिया में और उसका एम्पायर पूरा फैला हुआ था. आपको ये जानना चाहिए कि जो जार है दैट इज किंग, मतलब रशिया में जो है जार जो है राजा को बोला जाता है या किंग को बोला जाता है. और इसका जो टेरिटरी था वो आपको जो है मॉस्को द रशियन एम्पायर इंक्लूडेड करेंट डे फिनलैंड, जो कि कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, फिनलैंड, लाटेविया, लिथुनिया, इस्टोनिया, पार्ट ऑफ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस, यहाँ तक फैला हुआ था. इसके अलावा ये पैसिफिक ओशियन तक फैला हुआ था. खुद जो है सेंट्रल एशिया तक के इसके स्टेट थे, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब के सब शामिल थे. इसके बाद जो मेजॉरिटी रिलीजन था वहाँ का, वहाँ कौन सा रिलीजन चल रहा था, तो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से निकला हुआ था, ये वहाँ का मेन रिलीजन था. लेकिन इसके अलावा जो है कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, ऑल दिस वेयर, ये सब के सब वहाँ पर फॉलो हो रहे थे. यू कैन सी दिस, दिस इज द जार निकोलस टू. व्हाइट हॉल है ये विंटर पैलेस का, ये विंटर पैलेस जो है लिविंग प्लेस है जार का. सो सी नेक्स्ट, लेट सी दिस मैप, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफन कम वन और टू मार्क्स फ्रॉम दिस मैप. तो आप इसको जरा ध्यान से देखिए. ये मैप एक्चुअली ये बता रहा है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस वक्त जो है कौन सा कंट्री किस ग्रुप में इन्वॉल्व थे. आप देखिए ये जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है. आप यहाँ देखिए दिस वेयर द सेंट्रल पावर्स, ये सेंट्रल पावर्स थे. उसके बाद एलाइड पावर में कौन कौन थे, तो एलाइड पावर में ये ग्रीन है रशियन एम्पायर, फ्रांस, इंग्लैंड, सर्बिया, ये हो गया आपका एलाइड पावर. फिर कुछ ऐसा स्टेट थे जिनको कोई मतलब नहीं था, न्यूट्रल स्टेट थे. तो आप ये देख सकते हैं स्पेन हो गया, यहाँ मेडिटेरेनियन सी में है, इधर स्वीडन है, डेनमार्क, सब न्यूट्रल है, मतलब इनको वर्ल्ड वार से कुछ भी लेना देना है. कुछ ऐसे न्यूट्रल स्टेट थे जिन्होंने बाद में सेंट्रल पावर को ज्वाइन किया, ये आप इस कलर में देख सकते हैं, बुल्गारिया और ऑटोमन, मतलब इन्होंने ऑस्ट्रिया हंगरी और जर्मनी को ज्वाइन किया. उसी तरह से कुछ ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने बाद में जो है एलाइड पावर को ज्वाइन किया, ये है आपका टोटली ग्रीन, जिसमें आपको इटली है, रोमानिया है, ग्रीस है. सो यू मस्ट प्रैक्टिस फॉर दिस मैप बिकॉज ऑफन कम्स सम मार्क्स फ्रॉम दिस मैप इन एग्जाम. नाउ सी इकोनॉमी एंड सोसाइटी, रशिया का इकोनॉमिक और सोसाइटी लेवल क्या था, इसी बेसिस पे हम लोग ये कर पाएंगे क्यों वहाँ पे जो है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो पाया. तो सबसे शुरू में 20th सेंचुरी के बिगनिंग में रशिया में जो है ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर थे, मतलब खेती करते थे. 85% एम्पायर का जो टोटल पॉपुलेशन था वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था. बाकी जो दूसरे कंट्री थे उसकी तुलना में यहाँ पे जो है इनका प्रोपोर्शन बहुत हाई था. जैसे एक एग्जांपल ले लें, फ्रांस और जर्मनी में
फ्रांस में जो है 40% और जर्मनी में 50% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, तो इसके बेसिस पे आप देख रहे हैं 85% तो बहुत ज़्यादा है। उसी तरह से इस एम्पायर में जो है जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो अपने लिए भी प्रोड्यूस करते थे, साथ में जो है मार्केट के लिए भी प्रोड्यूस करते थे। इसकी वजह से जो है रसिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था ग्रेन्स का। इंडस्ट्री जस्ट पॉकेट में थे, बहुत लिमिटेड थे। जितने भी प्रोमिनेंट इंडस्ट्री थे वो सेंट पीटर्सबर्ग में थे, नहीं तो फिर मॉस्को में थे। जितने क्राफ्ट्समैन थे वो जो है ज़्यादातर प्रोडक्शन का काम करते थे। लार्ज फैक्ट्री जो है वो जो है क्राफ्ट जो वर्कशॉप होता था उसके आसपास में कहीं होता था। फैक्ट्रीज लास्टली जो है 1890s के बाद ही सेटअप होना शुरू हुआ, जब रशिया में जो है रेलवे नेटवर्क को बढ़ाया गया, फॉरेन इन्वेस्टर्स को बुलाया गया जिन्होंने इंडस्ट्री में जो है निवेश करना शुरू कर दिया। कोल प्रोडक्शन जो है डबल्ड हो गया, आयरन और स्टील का जो आउटपुट था वो क्वाड्रप हो गया, चार गुना चला गया। उसी तरह से 1900 आते आते जो फैक्ट्री वर्कर्स थे और जो क्राफ्ट्समैन पर्सन थे, मतलब जो वर्कशॉप में काम करते थे जो फैक्ट्री में, ये लास्टली इक्वल हो गया। अभी मैंने बताया कि पहले वर्कशॉप में ज़्यादा थे, फैक्ट्री में कम थे, अब बराबर चले आए। मोस्ट जो इंडस्ट्री था वो उसके जो ऑनर थे वो प्राइवेट थे, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी था, इंडस्ट्रीज लोग उसके ऑनर होते थे। गवर्नमेंट अक्सर जो है लार्ज फैक्ट्री को सुपरवाइज किया करती थी, क्या करने के लिए कि कम से कम मिनिमम वेज मिले या लिमिटेड आवर्स में जो है काम हो इसके लिए। लेकिन जितने भी फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे वो लोग अक्सर जो है रूल्स को टूटने से बचा नहीं पाते थे। क्राफ्ट यूनिट और जो स्मॉल वर्कर्स था उसमें जो है वर्किंग आवर कभी कभी 15 घंटे तक चला जाता, 15 आवर्स तक, और फैक्ट्री में जो है लगभग 10 से 12 घंटे हुआ करते थे। एकोमोडेशन जो था रूम टू डॉर्मेट्रीज वो वैरी करता था, मतलब वहाँ पे जो है कुछ लोग को अगर घर में रहने के लिए मिल जाता था तो कुछ लोग को डॉर्मेट्रीज में रहना पड़ता था। यू कैन सी हियर वर्कर स्लीपिंग इन बंकर इन ए डॉर्मेट्री, ये है प्री रेवोल्यूशन रसिया का। ये यहाँ पे जो है लोग जो है शिफ्ट में सोते थे और अपनी फैमिली को कभी भी अपने साथ नहीं रख सकते थे। नाउ वर्कर्स भी जो थे वो सोशल ग्रुप में डिवाइडेड थे। कुछ लोग का जो स्ट्रॉन्ग लिंक बना हुआ था भिल्ले से, मतलब वो सिर्फ शहर में रह रहे थे वरना उनका जो पूरा लिंक था वो गांव से ही था, जबकि कुछ लोग परमानेंटली आकर के सेटल हो चुके थे। वर्कर्स स्किल के बेसिस पे डिवाइडेड थे। कुछ जो थे वो मेटल वर्कर्स थे पीटर्सबर्ग में, जो अपने आप को जो मेटल वर्कर्स होते थे वो अपने आप को जो है ज़्यादा सुपीरियर मानते थे, अपने आप को एरिस्टोक्रेट मानते थे इन कंपेरिजन ऑफ अदर वर्कर। उनका कहना यह था कि उनका जो ऑक्यूपेशन है उसमें जो है ज़्यादा ट्रेनिंग का डिमांड है और स्किल का डिमांड है, इसलिए जो है वो सुपीरियर है दूसरे वर्कर से। वुमेन जो है लगभग 31% फैक्ट्री लेबर थी 1914 तक, लेकिन उनको बहुत कम दिया जाता था, या तो हाफ दिया जाता था या 3/4 लगभग दिया जाता था इन कंपेरिजन ऑफ मेन। जो डिवीजन था वर्कर्स का वो उनके ड्रेस में और मैनर्स में भी दिखता था, मतलब कपड़े भी अलग अलग उनके होते थे यूनिफॉर्म, और प्लस उनका बिहेवियर भी अलग होता था। कुछ जो वर्कर्स थे वो एसोसिएशन बना रखे थे जो अनएम्प्लॉयमेंट के समय में उनको फाइनेंशियल हेल्प करता था, लेकिन ऐसे जो एसोसिएशन थे वो बहुत ही कम थे, रेयर ही थे। डिस्पाइट डिवीजन होने के बावजूद जो है जो वर्कर्स थे वो काफ़ी यूनाइट थे। इसी वजह से जो बहुत बार स्ट्राइक हुआ था वहाँ पर, अगर एम्प्लॉयर से उनका डिसएग्रीमेंट होता था या किसी को डिसमिस कर दिया जाता तो इस कंडीशन में वो यूनाइट हो जाते थे। इसी वजह से जो है स्ट्राइक बहुत ज़्यादा हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ड्यूरिंग 1896 से 1897 के बीच। उसी तरह से मेटल इंडस्ट्री में जो है 1902 में जो है बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हुए। नाउ सी इन कंट्री साइड, तो कंट्री साइड में पीजेंट जो है वो ज़्यादातर ज़मीन पे खेती करते थे, लेकिन वो उसके मालिक नहीं थे। ज़्यादातर जो लैंड था वो नोबिलिटी, क्राउन या ऑर्थोडॉक्स चर्च का था। लाइक वर्कर की तरह पीजेंट भी जो है वो भी डिवाइडेड थे। दे वे आर ऑल्सो डिवाइडेड इन डीपली रिलीजियस, काफ़ी अलग अलग रिलीजन में वो डिवाइडेड थे। बट एक्सेप्ट इन फ्यू केसेस, कुछ केसेस को छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे कोई भी जो पीजेंट था वो नोबेल को कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था। एक्चुअली नोबेल को जो है उसका पावर मिला हुआ था कि सिर्फ जार से, और इसलिए वो कभी भी जो है लोकल जो लोग थे या लोकल जो पीजेंट्स थे उसको कभी परवाह नहीं करता था, जिसकी वजह से जार को भी कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलता था। फ्रांस में देखा गया था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय इन ब्रिटनी,
पीजेंट्स ने जो है नोबेल्स को रिस्पेक्ट दिया था और उसके लिए लड़े भी थे, लेकिन रसिया में जो है ऐसा नहीं होता था। रसिया में जो है पीजेंट्स चाहते थे कि जो लैंड नोबेल्स के पास है वो जो है पीजेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए, और अक्सर जो है जो पीजेंट होते थे वो रेंट देने से मना कर देते थे। कभी कभी तो लैंडलॉर्ड्स को जो है मर्डर भी कर दिया जाता था, मार देते थे। 1902 में जो है लार्ज स्केल पर ऐसा हुआ था साउथ रसिया में। 1905 में इस तरह के इंसिडेंट जो है पूरे रसिया में फैल चुके थे। रसिया के पीजेंट्स की लेकिन एक खासियत थी, खासियत ये थी कि ये लोग जो है यूरोप के किसी भी दूसरे कंट्री के पीजेंट से अलग थे। किस मामले में अलग थे? इन ये लोग क्या करते थे कि अपने लैंड को एक साथ जो है मिला लेते थे पीरियोडिकली, साल भर में 6 महीने में जब भी इनको ये होता था। सारी की सारी जमीन जो है कम्यून को दी जाती थी, और कम्यून क्या करता था इसको जो है फिर से जो है डिवाइड करता था अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल फैमिली। जिसको जितना जरूरी है उसके हिसाब से उसको जो है फर्टाइल वाला और नॉन फर्टाइल वाला जमीन जो है बांटी जाती थी। इससे क्या होता था कि एक ये जो है ना शो करता था सिंबल ऑफ सोशलिज्म, लोग है जो एक साथ रह करके जो है अपनी जो है जरूरतें पूरा करना पसंद करते थे। नाउ थैंक्स।